हम ग्रिंडलवाइल्ड ग्राउंड स्टेशन की तरफ आ गए। ग्रिंडलवाइल्ड से हमें ट्रेन क्लैनशेडे स्टेशन पर ले आई। क्लैनशेडे स्टेशन तक बस से भी आया जा सकता है, लेकिन यहाँ से आगे आप केवल ट्रेन में ही सफर कर सकते हैं। इंटरलेकन से करीब 2.5 घंटे में हम उस ट्रेन में थे जो हमें यूरोप के सबसे ऊंचाई पर बने रेलवे स्टेशन की तरफ ले जा रही थी। ये थी कॉग व्हील ट्रेन, जिसमें पटरी पर स्पाइक्स बने होते हैं। धीरे धीरे चलती इस सुंदर ट्रेन से हरे भरे ग्रिंडलवाइल्ड के खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे थे, और नजर आ रहे थे लकड़ी के खूबसूरत स्विस अंदाज में बने घर। इन घरों को शैले कहा जाता है। प्यारी सी धूप खिली हुई थी और ऐसे में सफर और भी सुहाना हो गया था। थोड़ी देर में ट्रेन एक टनल के बीच से गुजरने लगी। हैरानी की बात है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इस रेलवे का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों के बीच बनी इन सुरंगों से गुजरता है। ये टनल करीब 7 किलोमीटर लंबी है।